खबर छत्तीसगढ़ की बेमेतरा से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि 25 लाख की लॉटरी लगने के नाम पर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में धारक से 48,100 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई, जिस पर पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। इसके बाद इन्हें नवागढ़ लाया गया। आरोपी जय गुप्ता से पूछताछ से पता चला कि वह ऑनलाइन ठगी गिरोह से ठगी करना सीखा है। आरोपी भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर उन्होंने उमरिया के रहने वाले ओम प्रकाश यादव को भी इसमें शामिल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल, 44 बैंकों के डेबिट कार्ड, एक पैन कार्ड के अलावा 14 मोबाइल की सिम के साथ 10,600 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी ऑनलाइन ठगी करते हैं ये लोग, और हमारे क्षेत्र की एक मीराबाई ग्रुप महिला नवागढ़ की है, उससे कुछ दिन पूर्व ये बताया गया कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है और इस लॉटरी को पाने के लिए आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी है। उससे इस प्रकार कुल 48,000 रुपये जमा करा लिए और इसके बाद मोबाइल इन्होंने बंद कर दिया। इसकी शिकायत जब हमसे हुई तो हम लोगों ने FIR की और इसी FIR के आधार पर विवेचना जारी थी। उसी दौरान पता लगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो पश्चिम बंगाल का आदमी है।